ये लॉकडाउन और रमजान के चलते अभी कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है यहाँ नेहरू नगर में आपने, कैसे और कब से स्टार्ट है ये? हमने भाई हमारे पूरे दलिया वाले हमारे पूरा दुस्तानी था ध्रुव, कितने भी लोग है हमारा बड़ा ध्रुव है, जमीर है, थेरू भाई हमारे थेरू भाई थाना बनाते, बबलू भाई है हमारा पूरा ध्रुव है बड़ा, उन्होंने मिलकर ये चालू करे मुहिम। हमने 300 से 400 रोज से अपना तो ताना और अपना वो हिसाब पे चालू करे हमने। अभी और आगे कब तक चलने का तुम्हारा? इंशाल्लाह देखते, अभी तो कुछ बता नहीं सकते, चल रहा रहता रोज डेली का भी चालू है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी दफ्पत है देखते हैं दफ्पत लोगों को हम वो कर सकते हैं। मैं कितने दिनों से चल रही है ये? 15 दिन से चल रही है, 15-16 दिन से चालू है अभी। डेली 300 लोगों का काम, खाना बन रहा डेली एक टाइम का, आप बना के दे रहे इनको खाना जी। कैसा चल रहा है इनका काम? 300-400 लोग खाना बना के दे रहे डेली का। डेली का ये कौन सा एरिया है? ये नेहरू नगर है, नेहरू नगर कटकट गेट नेहरू नगर। आपने किसी से मदद ली है इस मामले में? नहीं सर, हमारे ग्रुप के बच्चे है सब, अपने जिले के लोग है सब साथ में है। अपने जेब खर्ची से कर रहे हैं आप सब लोग? सब जेब खर्ची से। और आगे इंशाल्लाह कब तक चलेंगे आपको ये? करते रहेंगे अल्लाह जब तक हिदायत दी हम करते रहेंगे, चालू रखने का इरादा है। आप क्या कारोबारी है? आप खाना बनाते हैं? ठीक है। आप देखिए आप क्या करते हैं? मैं भारत ऑटो इसी काम करता हूँ कारी। और तुम क्या करते? रिक्शा चलाते हैं। क्या नाम तुम्हारा? शेख रिजवान। तो तुम अपने जेब खर्चे से इसमें हाथ बटा रहे? जी। और आप क्या करते हैं? अपना पीओपी का काम है, फिटिंग का काम है जी। तो आप अपने जेब खर्चे से कर रहे हैं सब मिलकर? इतने भी हमारा ग्रुप है 10-15 जन का। हाँ, वो हिसाब। कौन सा एरिया है ये? नेहरू नगर कटकड़ी गेट। आप क्या करते हैं? मेरा FMCG का कारोबार है। FMCG का। और आगे कब तक करेंगे ये सब? इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ने ताकत दी तब तक करेंगे, जब तक हो सका। ये मुक्का है, ये बेचारे ने बहुत मेहनत करा और इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रोज डेली 300 से 400 लोगों का खाना बना चुका, रोज डेली ये 15 दिन से काम कर रहा, बेजबान है और मेहनत में एकदम आगे है। शेरू भाई का और शेरू भाई नेहरू नगर कटकट बटियारे उनका असिस्टेंट है, एकदम ब्यूटीफुल काम करते। तो आप जो काम को अंजाम दे रहे हैं डेली 350 से 400 लोगों को खाना पहुँचा रहे हैं, क्या करते हैं आप? सर मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, टोयोटा डीलरशिप। अभी तो काम बंद होगा? हाँ जी, मैं पिछले 2-2.5 महीने से घर पे ही हूँ। ये सब अपने जेब के खर्चे से कर रहे हैं? ये सब सभी दोस्तों का कंट्रीब्यूशन है। हम 4 से 5 लोगों ने ग्रुप स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में 40 लोग हमको जुड़ गए, 40 से 50 लोग। आपका नाम? जी मुसम्मिल खान। क्या करते हैं आप? जी मैं डोर की दुकान है दरवाजे के आधा चौक पर जी। हाँ, आपका नाम? सैफ खान। आपका क्या कारोबार? मंडी का। कब से कर रही है? 8 दिन से कर रही है। 8-9 दिन। तो आइडिया आया आपके दिमाग में, कैसा आया, क्या सोच रहे थे आप? सर पिछले 8-15 दिन से 2 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे मतलब बाहर के एरिया में और हमारे खुद के एरिया में बहुत सारे लोग परेशान है, भूखे है, जिसको खाना नसीब नहीं हो रहा है, घर में अरेंज नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम 4 से 6 लोगों ने ये सोचे थे। और हम लोग कोई सियासी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अपने अपने अलग अलग कारोबार से अलग अलग कारोबार से जुड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज। कितने लोगों ने स्टार्ट किए थे ये? 4 से 6 लोगों ने स्टार्ट किए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50 लोग हमको जुड़े आगे। और जो कंट्रीब्यूशन हमारा फर्स्ट वीक में हुआ था, जो कंट्रीब्यूशन हमारा स्टार्टिंग कितने किलो से करे? स्टार्टिंग हमने 20 किलो से करे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 55 से 60 किलो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है 3-4 दिन से। क्या है इसके पीछे का मकसद तुम्हारा? बस कोई हमारे अतराफ में, हमारे एरिया के अतराफ में, हमारे एरिया में कोई भूखा ना रहे, हमारा बस यही है जो बहुत ज़्यादा परेशान है। बाकी इसमें कोई राजकारण वगैरह तो नहीं? राजकारण नहीं, कोई नहीं है। आप सब लोग दोस्त हैं आपस में? जी हम सब लोग दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं हम लोग, शारिक साहब, समीर साहब,